का बनता है आज है इवनिंग ड्राइविंग, न शाम का मौसम है न रात है। अभी बज रहे हैं 6:14, सर्दियों का मौसम है तो ठंड थोड़ी जल्दी हो गई है। और अभी हम हैं म्यूजियम पार्क, राइट में आता है प्रिंस जसिंग मेमोरियल, इंडिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल। यहीं पे इंडिया की सबसे पहले कैंसर मशीन आई थी। और हम हैं अभी बीकानेर सिटी में। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर। ऑलमोस्ट 90% बाइक्स और कार हाई बीम्स के ऊपर चलते हैं। हाईवे पे चलाओ ठीक है, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप चलाते हो हाईवे पे। मेन प्रॉब्लम आती है सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर गड्ढे वगैरह साफ दिखते नहीं है हेडलाइट हाई बीम होने के कारण। इसीलिए कृपा करके सिटी के अंदर तो लो बीम पे अपनी गाड़ी रखो। हम चलो फिर शॉर्टकट नहीं लेके, तो ट्रैफिक से बचने के चक्कर में गलियों में से निकलने की सोच लिया था, तो यहाँ से ले लेते हैं अपन लेफ्ट। सबसे पहले बनती है सिंगल रोड, वो रोड टूट जाती है फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया के अंदर दोबारा एक छोटी सी रोड बना देते हैं जहाँ से फूटी हुई है। फिर वो रोड आने वाले कई सालों तक नहीं टूटती, फिर आगे से रोड टूट जाती है उसको बना जाते हैं, तो रोड ऊपर खाबड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। और अभी लगभग हल्की हल्की ठंड है, बट गाड़ी का टेम्परेचर फैन नॉन स्टॉप चल रहा है गाड़ी का, ब्रेक एक्सीलेटर, जिसमें से एसी ऑन नहीं है, एसी की नीड भी नहीं है। गाड़ी के शीशे बंद हैं फिर भी नॉर्मल है अंदर का टेम्परेचर। ये देखिए टूटी रोड, उल्टी साइड के अंदर जंप है। अगर ये जंप राइट हैंड साइड में होता, ज्यादा टाइम होता तो खतरनाक वाला जंप लगता। एक तो ये रोडे फूटी हुई, ऊपर से बीच में जंप दे देते बना देते हैं। रोडें तो रिपेयर कर रहे नहीं हो, जंप क्यों बना रहे हो? वैसे तेज निकल जाता बंदा यहाँ पे कोई गाड़ी अपनी। ऊपर जंप के ऊपर कोई वाइट पट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल बंदा कई बार तेज इसलिए कि जंप है यहाँ पे, ये जंप था, हल्का सा जंप था। अभी नहीं, रोड ऊपर से ऊपर बनते बनते ये जंप छोटा हो गया। जंप के ऊपर व्हाइट लाइन खींच दो ताकि पता लगे हाँ जंप है। सिटी के अंदर कहीं पे भी जंप बना रखे हैं, कहीं पे जंप के ऊपर व्हाइट पट्टी बनानी है। अंधेरे में आते हैं रात को, गाड़ी सीधी जंप ही होती है। जंप जब आने वाला होता है आपको पता है कि आपकी गाड़ी स्लो नहीं होगी जंप के ऊपर, भूल के भी कभी ब्रेक मत दबाओ, कूदा दो, क्योंकि जंप आता है आप ब्रेक करते हो तो गाड़ी नीचे की तरफ अपनी ग्रिप ज़्यादा बनाती है, फिर आप जंप करवाते हो उसको तो आपके सस्पेंशन और टायर और रिम्स के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है गाड़ी खड्डे में गिरेगी, जंप से पहले या खड्डे से पहले जितना गाड़ी को स्लो कर सकते हो उतना स्लो कर लो। अगर आपको लगता है कि जंप
खड्डे में गाड़ी जाएगी उस टाइम एक्सीलेटर छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो सॉरी। अब गाड़ी शायद ऑटोमेटिक हल्की सी रेस ज़्यादा पकड़ रखी है, क्यों तेरी स्कूटी वाला हैवी ड्राइवर। ये देखिए फुल स्पीड में आई बीन, दो लाइटें कम पड़ती है इसलिए चार लाइटें लगाते हैं, चारों लाइटें हाई बीम के ऊपर। और सबसे बड़ी दिक्कत लगती है जो नई वाली बाइकें आ रही है, एक्टिवा वगैरह स्कूटीज आ रही है, इनमें जो व्हाइट लाइट दी है उनकी विजिबिलिटी उसे सामने आते तो विजिबिलिटी लगभग जीरो हो जाती है एक स्कूटी की लाइट से। वही अगर लाइट कार में हो तो यू समझ लो कि आपकी गाड़ी जब तक वो गाड़ी क्रॉस नहीं करती तब तक आपको जीरो विजिबिलिटी के अंदर गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब हमें यहाँ रुकना है एक जगह, एक सेकंड ब्लॉक करते हैं हम पॉज एक बार यहाँ पे, फिर लेके आते हैं कुछ, क्या आते हैं फिर आते हैं अगला, अगली वीडियो चालू करते हैं।